नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर मानवता के प्रति संदेश और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए देश में स्वच्छता आंदोलन को और तेज करने का संकल्प व्यक्त किया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अनेक नेताओं ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया और नई पीढ़ी को गांधी से प्रेरणा लेने की अपील की। इन नेताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया और विजय घाट पर जाकर उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 या 3 दिन में बाढ़ राहत पैकेज जारी कर देगा और इस मामले पर किसी को भी अनावश्यक विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं है। येदियुरप्पा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित कर्नाटक को अभी तक केंद्र सरकार से वित्तीय राहत पैकेज नहीं मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे के बाद भारत आए हैं और उन्हें राज्य के हालात के बारे में पूरी जानकारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की स्थिति के बारे में अवगत करा दिया है और उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में केंद्र की तरफ से राहत पैकेज जारी कर दिया जाएगा। भारत की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर पहुंच रही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान तीस्ता जल बंटवारे जैसे कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की संभावना है। मोदी के आमंत्रण पर 3 अक्टूबर को यहां पहुंच रही हसीना भारत सरकार के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगी। उनका 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है और इस दौरान वह तीस्ता जल बंटवारे सहित कई अन्य मुद्दों को उठा सकती हैं। हसीना की इस यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे के अलावा 8 अन्य नदियों के जल बंटवारे के बारे में भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दो पक्ष बाढ़ प्रबंधन तथा नदी प्रबंधन जैसे विषयों पर भी बातचीत कर सकते हैं। तीस्ता जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच 2011 में हस्ताक्षर होने थे, लेकिन तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का जमकर विरोध किया था, जिसके कारण तीस्ता जल बंटवारे से संबंधित मुद्दे पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे। भारत के अविनाश सालवे ने नाटकी हालात में यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई, जबकि अनुरानी क्वालिफाइंग दौर की शानदार फार्म को फाइनल में दोहराने में नाकाम रही और महिला भाला फेंक स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। महाराष्ट्र के मांडवा के 25 साल के सालवे विश्व चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। अविनाश पहले दौर की हीट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बावजूद शुरुआत में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे थे, लेकिन इसके बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने विरोध किया कि दौड़ के दौरान अन्य धावकों ने उनका रास्ता रोका, जिसके बाद उन्हें फाइनल में जगह दी गयी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज। धन्यवाद।